पहले स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज पे प्रेफर करते थे जाना, बट अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूएस की तरफ क्यों खिंचे जा रहे हैं? कनाडा ने एक नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अटेस्टेशन लेटर्स ला दिए, यूके अपना पीएसडब्ल्यू वगैरह रिवाइव कर रहे हैं। उनको पता है कि यूएस में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या फोकस कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि वो लोग कनाडा से एजुकेशन करके यूएस में अर्न करते हैं, दे अर्न इन यूएसडी एंड दे स्पेंड इन सीएडीज। यहाँ पे तो सर काउंसलर्स जैसे स्टूडेंट्स काउंसलर्स के पास आते हैं, वो ये बताते हैं कि हम लोगों ने पहले किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने हमारी एक यूनिवर्सिटी, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था उसके 98% थे, 95-98 के बीच में थे 12th में, एंड उसको उन्होंने बहुत ही लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी में, एजेंट ने लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया, स्टूडेंट का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके अच्छी परसेंटेज कहीं पे भी काम नहीं आए, तो इस वजह से स्टूडेंट का जो सेल्फ एस्टीम होता है ना वो बहुत डाउन हो जाता है। अब स्टूडेंट ये बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने भी उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, एजेंट ने उसका भी करवाया था, लेकिन उसके फ्रेंड के जो परसेंटेज थे वो 65% थे। तो एक सर ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की अपनी प्रोफाइल की जो वर्थ है वो ये समझ के बहुत ही लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं फीस की वजह से या कहीं ना कहीं फ्रेंड्स की वजह से लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिफ्यूजल आ रहा है। सी, मैं आज काफ़ी सारे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों की पढ़ाई पे, तो मेक श्योर कि वो अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाए जिससे उनका फ्यूचर बन रहा है। अगर कहीं पे भी पढ़ के ख़त्म करना है तो इंडिया में कर लो, लेकिन अगर अब्रॉड के लिए जा रहे हो, एम फॉर द टॉप मोस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, उनका फ्यूचर रियली उनका डिफरेंट हो जाएगा उस टाइम पे। सो इवन एज ए मैरिटिन जब हम लोग अपने बच्चों को ऑप्शंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ दी कोर्स, ये कॉलेजेस, तो वी मेक श्योर कि वी आर गिविंग द टॉप मोस्ट ऑप्शंस, तो वो चीज़ उनका पूरा करियर डिफाइन करती है। राइट अब जैसे जब वो स्टूडेंट हमारे पास आया था तो मैंने उसको ये चीज़ बोली थी कि हम जो आपको यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ना, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो उसकी प्रोफाइलिंग जब हम करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर वे मोर मेनी कोर्सेज, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं एक प्रोफाइल के लिए, उसके बेसिस पे उस स्टूडेंट ने जब वीज़ा इंटरव्यू दिया सेकेंड टाइम पे, तब उसका वीज़ा अप्रूव हुआ बिकॉज ही वॉज गोइंग इन अ वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी। तो ये प्रॉब्लम्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं हमारे साथ। इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको किस तरह से गाइड करना है। ठीक है, जैसे आज एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, जब बच्चों ने सीनियर के जी स्टार्ट किया तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि भाई कौन सी अच्छी जगह पर जाएंगे, 10th 12th किया तो क्या कोर्स लेना है, कौन सी कॉलेजेस, तो वो इंडिया के अंदर उनको पता है कि भाई ये अच्छी कॉलेजेस है। वॉट अबाउट एब्रॉड? एब्रॉड के बारे में वी आर दी एक्सपर्ट, बिकॉज हम लोग आज सालों से वो चीज़ में डील कर रहे हैं, तो हमको पता है कि भाई ये कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसा रैंकिंग है, कैसा फ्यूचर है, कि बच्चा क्या पढ़ सकता है, तो वो चीज़ आज एज एन एक्सपर्ट हम लोग उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दे हैव दैट फेथ इन अस कि भाई सिर्फ ऑफर लेटर और वीज़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमारा करियर पूरा प्लान हो रहा है। Right. So that is what makes a difference at Meridian. Yes, because बहुत empathetic तरीके से counselors deal करते हैं। I was also, when I joined Meridian, तो मैं भी counselor थी सर, बहुत empathy show करते हैं यहाँ के counselors की student अगर किसी problem से निकल रहा है तो पहले हमको वो problem sort करनी है, जैसे financial problems होती हैं उसमें भी we are providing financial help, जैसे loans होते हैं उसके लिए हम लोग student को assist करते हैं। बहुत सारे students ऐसे भी आते हैं सर जिन्होंने बहुत रिफ्यूज़ल तो लेकर आ गए वो यूएस का, और उन्होंने उससे पहले अपने एजेंट्स को कंसल्टेंट्स को लाखों रुपए पे किए हुए होते हैं, जो कि आई डोंट थिंक, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक इतना एक्सपेंडिचर इंडिया में रह के हो रहा है स्टूडेंट्स का, या इतना एक्सपेंडिचर बनता है स्टूडेंट्स का कि यूएस जाने से पहले, यूएस जाने के बाद तो देना ही पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे जो एजेंट्स के थ्रू हमारे पास आते हैं, नॉर्मल फीस अगर एजेंट आज लाख लाख रुपये ले रहे हैं, बिल्कुल जो बहुत बड़ा अमाउंट है, स्टिल गारंटी नहीं है कि उनका होगा। अगर हम तो बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं सर, विच इज आई गेस एज कम्पेयर टू अदर पीपल, वो पॉकेट मनी जितना ही है कि एक स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए जा रहा है या बैचलर्स के लिए जा रहा है बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। हम लोग उसको एक चार्ट भी बना के देते हैं कि उसका किस किस
फेज में या कहाँ कौन से स्टेप्स में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो रहेगा। बट बहुत कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन लाख बच्चों को सिर्फ फाइनेंस शो करने के लिए चार्ज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू पुट एन अवेयरनेस इन द मार्केट कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए सर कि यहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है जितना वहाँ जाने के बाद होगा। और प्लस आपका करियर डिफाइन हो रहा है, वो मेजर फैक्टर है। यस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो इस पॉडकास्ट पे कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एवरी सैटरडे मैं आपकी क्वेरीज आंसर करती हूँ। आपको वीजा से रिलेटेड, DS-160 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं जनवरी के लिए, यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस विद अस। यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट्स ऑन application02@meridian.org। फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन लाइक आर वीडियो, सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन जब भी आप ब्रांच पे विजिट करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट सेशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स का जो भी क्वेरीज रहेगी उसके अकॉर्डिंग वी आर डेफिनेटली going to make another video.